व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, आरजी और मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेके एक और वीडियो। लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा दो, बिकॉज बहुत सारी वीडियोस जो आप लोगों के लिए लाइंड अप हैं और आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं। भाई मतलब हमारे लिए तो हमारे देश में दिवाली चल रही है, क्योंकि अयोध्या मतलब सजी हुई है, राम जी आ रहे हैं। एंड सीरियसली इस बार भाई बहुत भजन आ रहे हैं और अच्छे अच्छे भजन आ रहे हैं, और अगर भजन आ रहे हैं तो पवन सिंह भाई का गाना हम कैसे रिएक्ट नहीं करेंगे। और गाइज अगर हम रिएक्ट करेंगे तो आप लोग सब्सक्राइब भी करोगे, मुझे पता है, प्यार भी दोगे, तो सब्सक्राइब तो कर दो यार। लेकिन लेट्स रिएक्ट टू द सॉन्ग। गाने का नाम होने वाला है प्रभु राम जी। मैं तो प्रभु राम बोल ही नहीं सकता, मेरे सर मुँह से जी ही निकलता भाई, माफ़ी चाहूँगा। गाने का नाम प्रभु राम है, लेकिन प्रभु राम जी, लेट्स लिसन टू इट बाय पवन सिंह, राम भजन। Let's go for it। और हाँ, माँ अम्मा फिल्म्स भक्ति सॉन्ग, ओके, इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लिंक दे दिया मैंने डिस्क्रिप्शन में। प्रभु राम अपने भक्तों के काम आ गए। हाय प्रभु राम अपने भक्तों के काम आ गए, बन गया मंदिर अयोध्या धाम आ गए। क्या बात है, अच्छा वीडियो है। मुझे लगा ग्राफिक्स ही होंगे जैसे पहले आ रहे हैं एक दो गानों में मैंने देखा ना। मंदिर बना दिया मोदी ने, ऐसा अपना धर्म निभाया, हुआ सनातन का सर ऊंचा, हर्षित हो गई सबकी काया, सूरज चंदा धरती अंबर पवन बसंती ने यह गाया, नाला तंबू से आस। कोरियोग्राफी देख के ऐसे लग रहा है जैसे स्कूल के स्टेज पे बच्चे नहीं परफॉर्म करते, वैसी वाली फीलिंग आ रही है। क्या कॉम्पोजिशन है यार, मतलब वाओ। चलो ठीक है, लिरिक्स मतलब ठीक है, मोदी जी पे बना दिया गाना, लेकिन व्हाट अ कॉम्पोजिशन, मतलब व्हाट अ कॉम्पोजिशन। प्रभु राम के लिए मेरी सज गई योध नगरिया, प्रभु राम के लिए। थोड़ा रिवर्ब ज्यादा लग रहा मुझे। कृष्ण जन्मभूमि आएगा इस बार भाई, आएगा आएगा, वो भी होएगा। 500 साल गुजरा मुस्कुराया है, घर घर में राम जी का दीप जगमगाया है। क्या बात, रोम रोम है राम का धोयाम के लिए, मेरी सज गई योध नगरिया प्रभु राम के लिए। वैसे एक बात तो है कि कोई भी प्रोजेक्ट टाइम पे पूरा हो या ना हो, ये टाइम पे पूरा हो गया। ये 3 साल बोले थे भाई, 3 साल में ये प्रोजेक्ट पूरा है। मंदिर बनाने का 2020 में चालू किया था, कहा था 30 एंड में कंप्लीट है, भाई कंप्लीट है। नहीं तो हमारे यहाँ तो एक लक्कड़ पुल बनना था भाई लुधियाना में, 12 साल लग गए एक पुल, और पुल कितना लंबा, 200 मीटर भाई साहब, कसम से मैं मतलब भूल नहीं सकता उस चीज़ को। चलो
बट अच्छी चीज है यार। क्या बात है, क्या बात है। विनय बिहारी पवन अनुपम सन है, दुनिया में मोदी मेरा सबसे महान है। राम का सेवक है उसे कोई क्या टिकाएगा, सनातन साधु जिसके उसे कोई क्या मिटाएगा। क्या बात है। प्रभु राम के लिए सज गई अवध नगरिया, प्रभु राम के लिए। पवन भैया की टिकट पक्की। मतलब मैं वैसे बोल रहा हूँ, बट टू बी ऑनेस्ट आई लव्ड इट द वे इट वॉज कम्पोज्ड। एंड हाँ ठीक है, मतलब इट वॉज बिन मेड फॉर मोदी जी, बट टू बी ऑनेस्ट मैं सोच के चल रहा था कि हाँ हम सुबह सुबह राम जी के लिए हम सुनने वाले हैं, वो तो है ही है, लेकिन थोड़ा मतलब मेरे को लगता कि राम सेंट्रिक ज़्यादा होना चाहिए था गाना, बट अच्छा लगा मुझे ओवरऑल। मतलब ऑब्वियसली खुशी इतनी ज़्यादा है ना इस चीज़ की कि मतलब कुछ भी चीज़ें बयान नहीं कर सकते आपको। हाँ बस दुख इस बात का है कि मैं अभी जा नहीं पा रहा हूँ अयोध्या। कोई बात नहीं, जल्दी जाएंगे, बट वेरी वेरी सून विल गो, वेरी सून, एंड जाना तो है ही है। और अगर मैं बात करूँ सिंगर पवन सिंह, लिरिक्स बाय विनय बिहारी, ओके, म्यूज़िक मधुकर आनंद, म्यूज़िक बहुत अच्छा दिया, और कंपोजिशन किसने कर दी, कंपोज़र का नाम भी डाल देते भाई, कंपोज़र का नाम नहीं डाला, चलो हम मान के चल लेते हैं फिर मधुकर आनंद ने कंपोज़ करा, बट अच्छा करा भाई। एंड गाया भी अच्छा है पवन सिंह जी ने, गाते तो अच्छा ही हैं, बट थोड़ा रिवर्ब ज़्यादा लगा, बाकी ओवरऑल गाना इज़ वेरी गुड, मज़ा आया गाना सुन के। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे, मुझे बहुत ज़्यादा सही लग रहा है, मतलब आजकल जो गाने स्पेसिफिकली प्रभु राम सेंट्रिक बन रहे हैं ना, वो बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा, मतलब बड़ी अच्छी वाइब है। एंड ऑनेस्टली जो मतलब पता नहीं क्यों, मतलब एक अलग तरह की पॉजिटिविटी बन रखी है यार, मतलब अगर हम आज की डेट में इंटरनेट पे देखें ना, बड़ा ही अलग तरह का कंटेंट है, लेकिन स्पेसिफिकली बाय द टाइम द डे इज कमिंग नियर, यानी कि कल आएगा जब प्राण प्रतिष्ठा है, एंड सीरियसली मतलब मैं हैरान हूँ कि इस तरीके का सीन चल रहा है, इस तरीके का भी सीन चल रहा है, और दुनिया और इंडिया हमारा जो देश है वो क्या एक कमाल कर रहा है, मतलब अपने लेवल पे ना, ये चीज़ देख के अच्छा लग रहा है। टू बी ऑनेस्ट आई एम फीलिंग वेरी प्राउड दैट आई बिलोंग टू अ कंट्री कॉल्ड इंडिया। एंड जब बारी आती है ना कि हाँ हमारे देश के नाम, मतलब वो आता ना वाइब आती है, तुम्हें पता ऐसा कल्चर ऐसा ट्रेडिशन कहीं पे नहीं है, और हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ भाग रहे हैं, बहुत सारे लोग मैंने भागते देखे हैं, बट उन्हें यही नहीं पता कि सबसे अच्छा कल्चर हमें मिला है, मतलब हमें बचपन से यही ये ऐसा ट्रेडिशन मिला है, ऐसा कल्चर मिला है, अगर हम उसे सहेज लें ना तो उससे ज़्यादा सुंदर चीज़ नहीं है कोई। बाकी पता नहीं यार, ठीक है अपनी अपनी बात है, बट ऑनेस्टली आई लव माई कंट्री, मेरे को मेरा देश बहुत पसंद है, एंड उसके बाद इन्हीं वैल्यूज़ की वजह से स्पेसिफिकली मैं, मतलब मेरे को कोई मतलब हज़ार लालच दे दे मैं इंडिया से बाहर जाने के बारे में कभी सोचूँ ना, सिचुएशंस ऐसी आ जाती, कभी कभी बंदे का मन डोलता है कि हाँ यार, वो है ना वो मोह माया का चक्कर, क्योंकि यू ऑलवेज थिंक कि हाँ यार पैसे ज़्यादा होने चाहिए ज़िंदगी में थोड़े से, बस वो एक रीज़न बन जाता है कभी कभी मन में ख्याल भी आने का, बट और कोई रीज़न नहीं है ख्याल आने का कि हाँ अगर हम उसको हटा दें
कभी मन से कोई इंडियन इंडिया से जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि जो वैल्यूज़ ये देश देता है वो शायद कोई नहीं देता, एंड आई थिंक वी ऑल शुड बी प्राउड ऑफ इट। बाकी भाषण बहुत हो गया, तुम लोग सब्सक्राइब कर रहे हो ना, सुबह सुबह उठ के भाषण दे रहा हूँ तुम लोगों को, लेकिन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, विल सी यू इन अनदर वीडियो गाइस। और प्यार दो यार, थोड़ा बहुत प्यार दो यार, थोड़ा नहीं बहुत सारा प्यार दो यार। लव यू ऑल, जय श्री राम, मिलता हूँ अगली वीडियो में।